गाइज वेलकम बैक माई अनदर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आपका मेरा न्यू ब्लॉग में स्वागत। सो गाइज अभी हम आ चुके हैं खेत, ये पीछे खेत देख सकते हैं, धान पक गया है तो उसी का कटिंग करने के लिए। तो उससे पहले, धान कटिंग करने से पहले हम लोग का एक नियम है कि जिसका जिसका भी धान यहाँ पे है उन लोग पैसा जमा करके एक पाठा खरीदते हैं और मुर्गा, और वो मुर्गा खरीद के यहाँ पे कटिंग होता है। उसके बाद फिर पहले पूजा होता है, उसके बाद कटिंग होता है, उसके बाद फिर धान को घर ले जाएंगे। तो चलिए ब्लॉग रन नीचे के लिए। देखते आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग पूजा किस तरह करते खेत का। तो चलिए ब्लॉग में बने रहें। पूछ दो मुर्गा, पूछ दो। गाइस अभी हम लोग नदी आ गए हैं, चलिए दिखाते हैं आपको हम दामोदर नदी। तो गाइस अभी नदी से आ गए और अब टाइम आ गया पूजा करने के लिए। चलिए मैं आपको दिखाऊं कि हम लोग पूजा कहाँ करते हैं और किस तरह। ये रहा हम लोग, मेरा ग्रुप वीडियो में बनेगा। और ये मेरा छोटा भाई है जो पाठा लेके जा रहा है मेरी गोदी में, छोटा दामोदर, और पानी था इसी वजह से। चलिए बड़ा दामोदर। अरे यार मोना है, पूजा हो गया। अब जा रहे हैं नदी को छल करने के लिए। चलिए ब्लॉग में घूमेंगे। तो भाई अभी नदी से आ गए और अभी जाएंगे ईटा लाने के लिए आए हैं। देखिए यहाँ ईटा है, ईटा लेके जाएंगे और चूल्हा बनाएंगे। चलिए वीडियो में बने रहे। तो फाइनली चूल्हा बनेंगे, ये देख सकते हैं। अभी आग लगा के उसको धोते हैं, मुर्गा को धोते हैं। ये है मुर्गा, चलिए वीडियो बने। तो गाइस फाइनली आग लग चुका है। सावर
खाना लेके जा रहे हैं, खाना सब बंदा लेके जा रहे हैं। तो गाइस खाना पीना हो गया है और अभी आ गए हम लोग नदी पूरा ये दामोदर नदी और वहाँ पे अभी हम लोग नहाएंगे। तो चलिए मिलते हैं वहाँ पर। अभी नहाना धोना हो गया, अब जाएंगे घर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। नया तो सब्सक्राइब करें।